पश्चिम बंगाल में हावड़ा के बाद हुगली में भी भड़की हिंसा। बीजेपी की रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर हुआ पथराव। पथराव से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, इस दौरान आगजनी भी की गई। हुगली हिंसा के बाद राज्य सरकार ने इलाके में इंटरनेट सेवा बंद करवा दी। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा की गाड़ियों पर हुई पत्थरबाजी। हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, लिखा बंगाल में हालात बेकाबू हैं। सुकांता मजुमदार ने लिखा, सीएम ममता बनर्जी हालात नियंत्रण करने में नाकाम रही, एक खास समुदाय को संरक्षण देने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता राजू झा की हत्या पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी साधा निशाना, कहा टीएमसी नेता पूछ रहे हैं दो दिन बाद क्यों निकल रही थी शोभा यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम ममता पर आरोप, हिंसा पर मूक दर्शक बनी रही ममता, एक वर्ग को संरक्षण दिया गया। हुबली हिंसा को लेकर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, हुबली की घटना पूर्व नियोजित थी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, ममता ने समुदाय विशेष को पहले ही दिया था क्लीन चिट, संसद में बंगाल हिंसा पर चर्चा की भी मांग की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोलकाता के सॉल्ट लेक दफ्तर में होगी प्रेस वार्ता। बिहार में हिंसा के बाद एक्शन में नीतीश सरकार, बिहार हिंसा में अब तक 125 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बिहार के नालंदा और सासाराम हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, दंगे से निपटने के लिए दिए सख्त निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मारे गए लोगों के परिजन को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। बिहार में हिंसा पर बोले डीजीपी, शांति को भंग करने की थी कोशिश, शरारती तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। नालंदा में अगले आदेश तक स्कूल और कोचिंग सेंटर्स बंद किए गए, इंटरनेट सेवा भी ठप, धारा 144 का सख्ती से पालन करने का निर्देश। बिहार शरीफ में लोगों का आरोप, पुलिस ने घर में घुसकर की मारपीट। बिहार शरीफ में महिलाओं का पुलिस पर आरोप, दरवाजे तोड़कर घर के सभी पुरुषों को उठा ले गई पुलिस। नालंदा पुलिस की लोगों से अपील, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। बिहार के सासाराम में अब तक 32 उपद्रवी गिरफ्तार, शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची एफएसएल की टीम, मस्जिद के पास बम बनाने के दौरान हुआ था ब्लास्ट। सासाराम में हिंसा की वजह से बड़ा फैसला, रोहतास जिले के सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर 4 अप्रैल तक रहेंगे बंद। सासाराम से हिंदुओं के पलायन की खबर को पुलिस ने बताया गलत, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। बिहार के गवर्नर से मिले गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश में हुई हिंसा पर चिंता जताई। बिहार के नवादा की रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह, बिहार में जंगल राज लौट आया है। बिहार की जनता से अमित शाह की अपील, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दे पूर्ण बहुमत, दंगाइयों को उल्टा लटका दिया। अमित शाह के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा बिहार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखला गई। बिहार विधानसभा में आज हंगामे के आसार, हिंसा को लेकर मच सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बिहार में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मांग, हिंसा की न्याय की जांच की जरूरत, हिंदू डरे सहमे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बीजेपी पर आरोप, नफरत के आधार पर वोट पाना इनका मकसद। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, अमित शाह की सासाराम वाली रैली इसलिए रद्द की हुई क्योंकि वहां भीड़ नहीं जुटती। महाराष्ट्र के संभाजीनगर हिंसा को लेकर अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार, 50 दूसरे आरोपियों को भी पहचाना। संभाजीनगर के पुलिस कमिश्नर का बयान, फरार आरोपियों की तलाश जारी, सीसीटीवी डेटा की ले रहे हैं मदद। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए बीजेपी ये सब करवा रही। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे पत्थर चलते रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, सब हिंदू एक हो जाओ, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को मुंह पर ताला लगा दो। मोदी सर ने मानहानि केस में सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे राहुल गांधी, सूरत की सेशन कोर्ट में आज दाखिल कर सकते हैं याचिका, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दी है 2 साल की सजा। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज जाएंगी सूरत, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के साथ जाएंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तंज, देर से ही सही लेकिन कांग्रेस के लोग कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं। अखिलेश का कांग्रेस पर निशाना, कहा उन्हें ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए था, उनके बनाए कानून में उन्हीं की पार्टी का नेता फंस गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का तंज, बोले गांधी सरनेम नहीं तो इनका धंधा बंद, रामलला को टेंट में देखना चाहते हैं, बंगले खाली करा रहे। राहुल गांधी के मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज फिर हो सकता है हंगामा, आज मौजूदा सत्र का आखिरी दिन हो सकता है, कांग्रेस काले कपड़ों में आएगी। कांग्रेस ने आज लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बुलाई बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा, सभी को काले कपड़े पहनने को कहा गया। राहुल गांधी को लेकर अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणी पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पश्चिम को दूसरों पर टिप्पणी करने से बुरी आदत है।
4 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक, कर्नाटक की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के होंगे फाइनल। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, ने कहा चुनाव में बुरी तरह हारेगी बीजेपी चाहे कितनी भी प्रशासनिक ताकत लगा। बीएसपी चीफ मायावती का ऐलान, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे शहरी निकाय चुनाव। निकाय चुनाव में अति की पत्नी की उम्मीदवारी पर बोली मायावती, शायस्ता पर अगर आरोप तय होते हैं तो लेंगे फैसला। कांशीराम की विरासत पर दावा ठोकने की समाजवादी पार्टी की तैयारी, आज रायबरेली के कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। चेन्नई में आज एक मंच पर जुटेंगे 14 दलों के विपक्षी नेता, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सामाजिक न्याय आगे की राह विषय पर चर्चा के लिए बुलाया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की सावरकर गौरव यात्रा का आगाज, ठाणे की यात्रा में सीएम शिंदे ने लिया हिस्सा। सीएम शिंदे का बयान, 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेंगे। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने जाएंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर दे सकते हैं बयान। पीएम मोदी आज सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का करेंगे उद्घाटन, अलंकरण समारोह में विजेताओं को पुरस्कार भी देंगे। विदेशों में राष्ट्रध्वज के अपमान पर बोले जयशंकर, सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी नहीं तो भारत में होगी उसकी प्रतिक्रिया। यूपी के स्कूली छात्र अब नहीं पढ़ेंगे मुगलों का इतिहास, योगी सरकार ने 12वीं के सिलेबस में किया बड़ा बदलाव, किताब से मुगल चैप्टर हटाया गया। यूपी सरकार ने इंटर के नागरिक शास्त्र की किताब के सिलेबस में भी बदलाव किया, अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ हटाया। आज से 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो, डीआरडीओ और एयरफोर्स का बड़ा कदम, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का ऑटोनोमस लैंडिंग टेस्ट किया गया। सीतापुर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच बवाल, तो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग बुरी तरह से जख्मी। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, एक पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। चंदौली में लड़की के गर्दन पर युवक ने धारदार हथियार से किया हमला, फिलहाल लड़की की हालत खतरे से बाहर। विवाद को लेकर हमले का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय में सीआईएसएफ के जवान का शव संदिग्ध हालत में मिला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी सीआईएसएफ अधिकारी ने आत्महत्या की बात नहीं कही, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के उदयपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटे। फैक्ट्री से उठा धुएं का गुबार, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पर नशे में धुत एक ऑटो रिक्शा चालक ने वीआईपी गेट का बैरिगेट तोड़ा, सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने पकड़ा। बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के दौरान मंच भरभराकर गिरा, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते ही मंच अचानक गिरा। हादसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता घायल, मंच ओवरलोडेड होने की वजह से हादसा। मुंबई पुलिस ने फयाज कादरी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, दो महिलाओं को बैठा कर किया था बाइक स्टंट। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। हरियाणा के रोहतक में तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। भारत में कोरोना के 3,824 नए केस दर्ज, एक्टिव केस की संख्या 18,000 के पार। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 562 नए केस मिले, 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में धमाका, मिलिट्री ब्लॉगर की मौत, कई घायल। यूक्रेन में रूस से जुड़े चर्च में हिंसक झड़प, पादरियों के साथ हाथापाई में यूक्रेन के एक सैनिक की मौत। चर्च में यूक्रेनी सैनिक पर टूट पड़े पादरी, जमकर की गई मारपीट। रूस ने यूक्रेन के दोनत्स्क क्षेत्र में दागे मिसाइल, 6 लोगों की मौत, 8 जख्मी। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर दिखाया तबाही का मंजर, जमीन पर पड़ी लाशें और खंडर इमारतें आई नजर। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के जंगल में लगी भीषण आग, सैकड़ों लोगों को किया गया रेस्क्यू। आग बुझाने के लिए 15 हेलीकॉप्टर, 85 गाड़ियां और 500 से ज्यादा कर्मचारी जुटे, आग लगाने के कारण अभी तक अज्ञात। लीबिया में समुद्र के जरिए यूरोप जाते 92 लोगों को रेस्क्यू किया गया, गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे सभी। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज होगी टक्कर, चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया, विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने की ताबड़तोड़ बैटिंग, मुंबई के गेंदबाज बुरी तरह बेसर। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग कर 171 रन बनाए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 17वें ओवर में जीता मैच। विराट कोहली ने 49 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए, फाफ डुप्लेसिस ने खेली 73 रनों की शानदार पारी। बतौर ओपनर विराट कोहली ने 3,000 रन पूरे किए, आईपीएल इतिहास में 50 बार 50 प्लस रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर रहा फ्लॉप, रोहित एक ईशान 10 और कैमरून ग्रीन 5 रन बनाकर आउट, तिलक वर्मा ने खेली नाबाद 84 रन। राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल के 16वें सीजन में धमाकेदार
का आगाज, सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रनों से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने 203 रन का दिया टारगेट, सनराइजर्स हैदराबाद 131 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान की ओर से बटलर यशस्वी और संजू सैमसन ने जड़ी 50 स्कोर 200 के पार पहुंचाया। युजवेंद्र चहल ने सनराइजर्स हैदराबाद की 4 विकेट झटके, T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। श्रीलंका ने पहले T20 में न्यूजीलैंड को हराया, सुपर ओवर में हुआ हार जीत का फैसला। पीवी सिंधु स्पेन मास्टर्स के फाइनल में हार, इंडोनेशिया के खिलाड़ी ने हराया। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का लोगो जारी किया गया, भारत के 2011 की जीत के 12 साल पूरे होने पर ICC ने किया लॉन्च।